और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। नीट पेपर लीक मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर कुमार के लिए तेजस्वी के करीबी उनके सचिव पीएस ने गेस्ट हाउस बुक करवाया था। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव के कहने पर सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक किया गया था। विजय सिन्हा ने दावा किया कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी के पीए प्रीतम कुमार के कहने पर नीट पेपर लीक के आरोपी सिकंदर कुमार के नाम पर एनएचएआई के गेस्ट हाउस में बुकिंग हुई थी। प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए पहले 1 मई को 9:07 पर और फिर 4 मई को 2 बार फोन किए। वहीं कहा कि अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने दबाव बनाकर गेस्ट हाउस की बुकिंग कराई। पहले दिन उनके फोन को सीरियस नहीं लिया गया। साथ ही डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आवंटन पत्र नहीं था, लेकिन लोग वहां पर रुके थे। हालांकि विजय सिन्हा पथ निर्माण मंत्री भी हैं और उनके अंडर ही ये गेस्ट हाउस आता है। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग पहले तेजस्वी यादव के पास था। विजय सिन्हा ने कहा कि पेपर लीक के पीछे तेजस्वी के पीएस का हाथ है और इसकी जांच होगी। जांच के बाद ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहाँ उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीतम कुमार इस विभाग में काफी दिन तक रहे हैं और उनका प्रभाव यहाँ पर है। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं और गिरफ्तार जेई सिकंदर जादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार जादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे वहाँ। और ये सिंचाई विभाग के, जैसा कि बताया है कि ये सिंचाई विभाग में जेई है जो सोशल मीडिया में आप लोग का चल रहा है, और इनको नगर विकास विभाग में किसने लाया और एक जगह दानापुर से लेके कई जगह का प्रभार किसने दिया, ये पूरे मामले में कैसे उनके घर से लेके बाहर तक एकाधिकार प्राप्त किए हुए थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी के घर से बाहर तक की इनकी पहुंच स्पष्ट है। और कई जो इनके बारे में चर्चा है वो भी जांच का विषय है। पुलिस के माध्यम से भी आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। हम तो मांग करेंगे कि जो ऐसे लोग हैं इसकी पूरी तहकीकात हो। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी हैं यहीं पर, हैं कर्मचारी हैं संविदा पर। आप कस करके बोल दीजिए इसको ना, बोलिए ना, दूसरे विभाग से आए हैं। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए, फिर 1 तारीख को रात में, फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनिक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षक अविंदा को भी बता दिया था। किसके नाम से बुक हुआ रूम?
हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। एनएचए की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ, और हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। रजनीश, एक बड़ा खुलासा करते हुए बड़ा दावा किया है यहाँ पर विजय सिन्हा ने, सीधे तौर पर आरोप लगा है तेजस्वी के पीएस प्रीतम पर। क्या आरोप है, क्या मामला है, आप वहां मौजूद थे, जरा डिटेल में बताएं। देखिए, डिप्टी सीएम जिनके पास पथ निर्माण विभाग भी है और पथ निर्माण विभाग के अधीन ही NHAI का जो गेस्ट हाउस है वो आता है, और जो यहाँ पे प्रश्न पत्र लीक मामले में सिकंदर यादवेंदु हैं वो यहाँ पे कमरा को लेकर, उनके ठहरने को लेकर बातें हुई थी। और 1 तारीख और 4 तारीख को जो यहाँ पे जो केयर टेकर हैं प्रदीप कुमार, उनके पास फ़ोन आया था और प्रीतम कुमार जो कि आप्त सचिव रहे हैं तेजस्वी यादव के, उनके फ़ोन से फ़ोन था और कमरे को लेकर बातें थी सिकंदर यादवेंदु को लेकर। और यही वजह है कि जब प्रश्न पत्र मामले में न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई है जो कि सहायक इंजीनियर जूनियर इंजीनियर है, और साथ ही साथ विभाग को लेकर भी किस तरीके से सिंचाई विभाग से इनका ट्रांसफ़र होकर और इतने सारे दायित्व जो है वो दिए गए, ये सारे सवाल को लेकर यहाँ पे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सवाल तो उठाए ही उठाए हैं। लेकिन कमरा बुक होने को लेकर जो बातें उठ रही हैं और एक मंत्री के नाम की जो बात है, तो बहरहाल इसमें देखिए 3 लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने, जिसमें कि केयर टेकर जिनके पास फ़ोन आया था, और पहला फ़ोन जो है 1 मई को आया था और 4 मई को 3 बार फ़ोन आए थे सुबह में कमरा देने को लेकर। और इस वजह से प्रदीप कुमार, साथ ही साथ धर्मेंद्र कुमार जो जूनियर इंजीनियर है, प्रोन्नति होकर सहायक इंजीनियर हुए हैं, और एक अधीक्षण अभियंता हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर उमेश राय, और चूंकि उन्हीं के अधीन है ये पूरा जो NHAI का गेस्ट हाउस है, और उनके ऊपर अधिकार है कि वो 2 कमरा 3 दिनों के लिए किसी को भी अपने विवेक के अनुसार, जो विभागीय है उसके अनुसार, जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार वो दे सकते हैं। तो लेकिन अगर वो कमरा दे सकते हैं तो क्या आवंटन पत्र भी जारी किया जाना जरूरी होता है, क्योंकि इस बात का जिक्र विजय सिन्हा ने भी किया कि आवंटन पत्र कहीं जारी नहीं किया गया था, फिर भी वो आके ठहरे। देखिए, तथ्य को छुपाने, इसके अलावा पारदर्शिता न होने और कई सारे दूसरे गंभीर आरोप जो लगे हैं, इसी वजह से इन 3 लोगों को निलंबित किया गया है, और इसके अलावा जांच भी बैठाई गई है। और जो विभाग की ओर से जांच जो हुई थी, अधिकारी लगाए गए थे, उनके जो रिपोर्ट आए हैं उसके आधार पर आज विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया, और सीधा सीधा प्रीतम कुमार और साथ ही साथ उनके क्या कुछ संबंध हैं सिकंदर यादवेंदु से, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी इसमें वो कह रहे हैं कि किस तरीके से सिकंदर यादवेंदु जो हैं जब रांची जेल में थे लालू प्रसाद तो उनकी खिदमतगारी में वो लगा रहता था, तो इस तरीके से उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो आर्थिक अपराध इकाई से करने की बात कर रहे हैं प्रीतम कुमार और तेजस्वी यादव के, इस पूरे मसले मामले में जो तथ्य है इस बात को लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज बातें कहीं। दूसरी ओर जो मंत्री शब्द उपयोग हुआ है इसको लेकर एक बार उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया, दूसरी बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसकी जाँच जो है वो कराई जा रही है। तो अब जाहिर तौर पे ये मामला जो है काफ़ी गंभीर है और कई सारी बातें जो है वो आ रही थी, तो लिहाजा अब जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री है उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने अपने स्तर से आज यहाँ पे बातों को साफ किया कि किस तरीके से सिकंदर यादव को रिगार्डिंग कमरा देने को लेकर 1 मई को यहाँ पे कॉल आया था प्रीतम कुमार जो आप्त सचिव रहे हैं तेजस्वी यादव के जब वो पथ निर्माण मंत्री थे, और उसके बाद 4 मई को अभी फोन आया और जिसके आधार पर कमरा देने की बात जो है अधीक्षण अभियंता को प्रदीप कुमार ने कही, और उसके बाद कमरा उन्हें मिला, और इसके बाद जो ये पूरा प्रकरण है लोग वहां पे ठहरे थे, और उसके बाद प्रश्न पत्र लीक से जो मसला मामला है उसमें गिरफ्तारी हुई सिकंदर यादवेंदु की, और 13 लोग इनके साथ साथ यानी कुल मिलाकर 13 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जो मामला अभी जाँच पड़ताल चल रहा है। लिहाजा एक बड़ा मसला मामला है और इस पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने आज अपनी बातों को रखते हुए कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए हैं।
ठीक है रजनीश, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो विजय सिन्हा ने बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी के आप्त सचिव रहे, प्रीतम के कहने पर कमरा बुक